हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं आम की चटनी। आम का सीज़न है तो चटनी बनाना तो बनता है, तो खट्टा मीठा चटनी हम बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत लाजवाब चटनी है। और चटनी बनाने के लिए यहाँ हमने कच्चा आम ले लिया है, आप देख सकते हैं। इसको छील लेना है अच्छे से और कट कर लेना है। और फिर यहाँ पे सरसों का तेल डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ लहसुन डालेंगे, सूखा मिर्चा ले लेंगे और पचफोरन ले लेंगे तड़का लगाने के लिए। यहाँ पचफोरन डालेंगे, आप देख सकते हैं। तड़का लगाने के लिए पचफोरन ज़रूरी होता है, तो यहाँ पचफोरन डाल दिए हैं। और लहसुन की कलियाँ भी डाल दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद सूखा मिर्च डालेंगे, यहाँ सूखा मिर्च डाल लिया है। और यहाँ आम कट के जो रखा था वो भी डाल लेंगे। और इसको अच्छे से भूनना है आम को। यहाँ पे आम डाल रहे हैं, देख सकते हैं। और इसको अच्छे से चलाते हुए इसको भून लेना है, ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, तब इसमें हमको डालना रहता है गुड़। तो इसको हमको भूनना है, थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसको, देख लीजिए आप लोग। और इसी तरीके से भूनना है और इसको ढक्कन लगा देंगे। और 5 मिनट के बाद पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा स्मूथ हो गया है, तो यहाँ पे गुड़ डाल देंगे। बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा। और बहुत यमी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। गांव का देसी गुड़ है ये, और घर पे बनता है हमारे यहाँ, तो वही मैंने डाला है यहाँ पे। और बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। आप भी बनाइए, खाइए। थोड़ा सा यहाँ पानी डालेंगे, यहाँ थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और नमक डालने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़ जाता है, खट्टा मीठा हो जाता है, तो ठीक लगता है खाने में। और यहाँ ढक देंगे, 10 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे। ढक्कन लगा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसको 10 मिनट बाद देखेंगे, एकदम रेडी हो गया है पक्के, और देख सकते हैं कलर। देखिए आप, कलर इतना ब्राउन होना चाहिए, देखिए बहुत टेस्टी हो गया है। आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा देंगे आपको। आप भी मेरे जैसा बनाइएगा, खाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।